हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 7:15 पे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जहां पे हम लोग कवर करते हैं इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर, जहां पे हम लोग द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जनसत्ता, इसके अलावा जितने भी अपने इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं न्यूज़ के, जहां से आपके एग्जाम के अंदर सवाल आ सकते हैं। डजंट मैटर यू आर गिविंग यूपीएससी, कोई स्टेट का पीसीएस एग्जाम दे रहे हो या फिर इंडिया में कोई भी एग्जाम, किसी भी स्टेट में अगर आप फाइट कर रहे हो तो करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको यहां से बाहर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो हम लोग कवर करते हैं ये वो सारी न्यूज़ होती है जो कि हर एक जगह पे इंपॉर्टेंट होती है। इनफैक्ट अगर आप कल को कोई आईआईएम के अंदर जाओगे, वहां पे इंटरव्यू दोगे, वहां पर भी यही सब पूछने वाले हैं। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो और वो अगर आपके नॉलेज को टेस्ट करना चाहता है तो भी इससे बाहर नहीं पूछेगा, है ना। कहीं पर भी, किसी भी फेज ऑफ द लाइफ में, कहीं पर भी अगर आप कॉलेज के एंट्रेंस के लिए जा रहे हो, कहीं पर भी, तो आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर के, वो इससे बाहर कभी भी नहीं होंगे और आपकी जो नॉलेज होगी वो बहुत ही इमेंस होगी। इनफैक्ट इट इज नॉट ओनली अबाउट कॉलेज एंट्रेंस या फिर आपकी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन, आप अपने आप में डेली कितना इंप्रूव कर रहे हो, अपनी नॉलेज को कितना इंप्रूव कर रहे हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि आपको लाइफ में सक्सेस भी जरूर दिलाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज है 3rd of November, तो हमेशा की तरह बहुत कुछ कवर करेंगे आज के सेशन में। क्या क्या हमको हम लोग कवर करने वाले हैं, 3 आर्टिकल द हिंदू के, 2 इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के, जनसत्ता के, और 7 आर्टिकल और है जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं। और बायोफ्यूल के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, डिफेंस, इसके अलावा ऑबिट्यूरी, एथिकल इश्यूज के बारे में, है ना, साथ में आपके ट्राइबल बेल्ट के बारे में, ये सब इश्यूज है जो कि आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले कल जो मैंने 2-3 सवाल पूछे थे आपसे, उनके हम लोग एक बार आंसर देख लेते हैं। कल मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे थे, जैसे कि मैंने आपसे कार्बोफ्यूरिन, है ना, मिथाइल, पैराथियन, फोरेट, इन सब के बारे में पूछा था कि ये सब केमिकल किस काम में आते हैं। तो कल हमने पढ़ाई था कि एग्रीकल्चर के अंदर पेस्टिसाइड बहुत काम में लेते हैं, उसको बैन भी किया गया था, तो उसी से संबंधित ये जो सवाल था। हाईएस्ट प्लांट लोड फैक्टर कौन से स्टेट के हैं, तो ये आपको तमिलनाडु, यहाँ पे आपको सही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत द्वारा मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत कब करी गई, तो मार्स ऑर्बिटर मिशन की बात करें तो 2013 के अंदर नवंबर में हमने इसकी शुरुआत करी थी। हरित आयकर इनिशिएटिव ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का था, तो यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का ये इनिशिएटिव था। इसके अलावा करंट अफेयर का कैप्सूल बैच आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल है मात्र 499 रुपीज में, जहां पे आप इंडिया में हर एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं 1 साल का करंट अफेयर, और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है और 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं दोनों ही लैंग्वेजेस में। आप इसको क्लास 24 ऐप से डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में ब्रह्मास्त्र बैच अवेलेबल है आप सभी लोगों के लिए 1999 में, और एसएससी जीडी का विजय बैच अवेलेबल है मात्र 999 रुपीज में। आप इसको ज्वाइन करके अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इंडिया की बेस्ट टीम है जो कि आपको यहाँ पे पढ़ा रही है। कैसे ज्वाइन करना है, क्लास 24 की ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, फिर आपको अपना एसएससी सिलेक्शन करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जीडी, सीजीएल, यहाँ पे सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे आपको, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, आप वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर विजय बैच आप यहाँ पे ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सीजीएल की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं, और पीडीएफ आपको क्लास 24 की ऐप पे मिलेगा। स्माइल फॉर ऑल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और एक बच्चे के एजुकेशन में हेल्प कर सकते हैं वीक में 1-2 घंटा पढ़ा के, है ना, और या फिर अगर आप जॉब करते हैं तो एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन के थ्रू एक बच्चे के एजुकेशन स्पॉन्सर भी कर सकते हैं किसी भी स्टेट के, बहुत सारे स्टेट के बच्चे हैं वहां पे। चलिए कोट ऑफ द डे के बारे में बात करते हैं। द डे यू टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योरसेल्फ, द डे यू स्टॉप मेकिंग एनी एक्सक्यूजेस, दैट्स द डे यू स्टार्ट टू द टॉप। देखो एक बहुत अच्छी बात यहां पे बोली गई है कि जिस दिन आप अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाते हो ना, उस दिन आप जो है अपने सक्सेस के पथ पे चलना स्टार्ट करते हो। जिस दिन आप एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर दो, उस दिन आप अपने सक्सेस के लिए जो है वो चलना चालू कर देते हो। बहुत सारे लोग हैं जो कि ना तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है ना एक्सक्यूजेस रोकने को तैयार है, वो हमेशा एक ही लेवल पे जो है वो घूमते रहते हैं, और ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। सबसे पहले होता है कर्मा, उसके बाद होती है किस्मत। तो जब तक कर्मा आप नहीं करोगे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, देखो पेरेंट्स का जो कर्तव्य होता है वो आपकी ग्रेजुएशन कराने तक का होता है, एक्चुअली 12th तक ही होता है वैसे तो, ग्रेजुएशन तक का भी इंडिया के अंदर है, वरना जनरली जो है ना, अगर हमें 12th तक हमारे पेरेंट्स ने स्कूल एजुकेशन दे दी है ठीक ठाक से स्कूल में, किसी भी स्कूल में, तो उसके बाद आपकी जिम्मेदारी स्टार्ट होती है कि आप अपनी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू करें। अगर आप 10-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, है ना, खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप 8 घंटे पढ़ के खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू करोगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना, आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे। आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, कंटेंट बना सकते हो, कोई अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, एनिमेशन की, ग्राफिक की, यूट्यूब की, कुछ ना कुछ कर सकते हो 1-2 घंटा निकाल के। खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो और ज्यादा मेहनत करोगे, आपको पता लगेगा कि कैसे मनी अर्न करी जाती है,
है ना, और हो सकता है उसी में से आपको कोई जिंदगी में आगे पाथ भी मिल जाए, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट, और उसके बाद एक्सक्यूजेस करना बंद करो यार। एक्सक्यूजेस दुनिया में हर आदमी के पास है, मेरे पास भी डेली एक्सक्यूज होता है कि मैं करंट अफेयर ना करूं, सच बता रहा हूं मैं, आई एम नॉट जोकिंग, है ना। डेली सुबह 4:30-5 बजे जो उठता हूँ ना, तब ऐसा लगता है अरे यार बंद करो यार क्यों, ठीक है आज बंद करते हैं, आज क्लास नहीं लेते, है ना। डेली एक्सक्यूज होते हैं क्योंकि रात को 11-12 बज जाते हैं यार, कई पर 2 दिन पहले तो मैं 1-1.5 बजे सोया था, तो इतना कम जब आप है ना, नींद दुनिया में सबको प्यारी होती है, ऑलराइट, लेकिन एक्सक्यूजेज आपको नहीं करने होते हैं, है ना, आपको अपना बेस्ट देना होता है, तो उसी का कारण है। चलिए आगे बात करते हैं दैनिक के फ्रंट पेज की। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे, देखो डीएम के जो है वो तमिलनाडु, देखो हमेशा का मुद्दा है सीएम और गवर्नर के बीच में बनती नहीं है, अगर सीएम दूसरी पार्टी का होता है तो। तमिलनाडु में भी वही है, डीएम के यहाँ पे पार्टी है और ये सपोर्ट चाह रहे हैं तमिलनाडु के गवर्नर को रिकॉल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे टसल चल रही है, वही वाली बात है डीएमके के बीच में और बाकी सबके बीच में। अभी आर एन रवि है जो कि यहाँ पे गवर्नर बने हुए हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू, ये नाम आपने पहले भी सुना होगा क्योंकि बहुत ही फेमस नाम है इसराइल का, सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक प्रधानमंत्री वहां के रहने वाले हैं, और अभी वापस से दोस्तों ये प्रधानमंत्री है जो कि बनने वाले हैं, काफी क्लोज है अपनी मेजोरिटी के। यहाँ पे आपको मालूम है ना इसराइल में कोई भी पार्टी को है ना मेजोरिटी चाहिए होती है, तब जाके मेजोरिटी मतलब मोर देन 50% वोट चाहिए होता है, तब जाके वो पार्टी जो है वो सत्ता में आती है, वरना फिर कोलिजन गवर्नमेंट होती है जो कि चल नहीं पाती है। तो 3-4 बार 5 बार इलेक्शन हो चुके हैं 3 साल के अंदर, इस बार लग रहा है कि पावर में जो है ये मेजोरिटी के साथ आ सकते हैं। यहाँ पे सेवा फाउंडर दोस्तों उनकी डेथ होगी, इनके बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि आर्टिकल पूरा का पूरा दे रखा है। यहाँ पे सचिन पायलट और गहलोत के बीच में आपस से लड़ाई चालू हो चुकी है, सचिन पायलट ने बोला है अभी मोदी जी क्या राजस्थान आए हुए थे, उन्होंने तारीफ कर दी अशोक गहलोत की, तो सचिन पायलट बोलते हैं कि देखो जब जब मोदी जी किसी की तारीफ करते हैं वो आदमी चल देता है पार्टी में से, गुलाम नबी आजाद की भी तारीफ करी थी वो भी चल दी है, तो अभी गहलोत की तारीफ कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि चल दे, इसको लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। तो काफी तगड़ा स्टेटमेंट था। यहाँ पे कल इंडिया ने बहुत ही खतरनाक मैच देखने को मिला, इंडिया बांग्लादेश का, और फाइनल ओवर के अंदर हम जीत गए। यहाँ पे बात करेंगे राइनोस के बारे में, राइनोस के जो वन हॉर्न है ना उनकी लेंथ कम हो गई है, इसके बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो बात करी गई है वो कर्नाटका की बात करी गई है, कर्नाटका के अंदर मेडिटेशन 10 मिनट का जो है वो कंपलसरी करने की बात करी गई है सारे स्कूल और कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। तो ये भी बात यहाँ पे बताई गई, आपको मालूम है कि बहुत सारे स्कूल्स में गीता जो है वो भी कंपलसरी करी गई थी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हाँ, और अभी मेडिटेशन के बारे में बताया गया है, तो मेडिटेशन भी जो है वो 10 मिनट का सर्कुलेशन जारी किया गया है, तो काफी अच्छी बात है वैसे, 10 मिनट अगर बच्चे स्कूल में मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। तो यहाँ पे बात करेंगे किसको लेकर, हमारे लिए जो फ्रंट पेज पे जो इंपॉर्टेंट है ना वो बात करेंगे किसको, राइनोस को लेकर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर, जिसमें इंडिया की और इंडिया के बाहर की भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हेलसिंकी की है, कैम्ब्रिज की है, उन सब ने मिलकर स्टडी करी है और जिसमें बताया है कि ओवर द ईयर्स ये जो ये देख रहे हो आप, ये जो हॉर्न्स की जो लेंथ है ना राइनोस की वो कम होती जा रही है। कारण तो है, एक तो हंटिंग और दूसरा आपको मालूम है कि इनका जो खुद का हैबिटेट है वो भी लॉस होता जा रहा है। तो जब क्या होता है इस तरीके से लॉसेज होने लगते हैं, हंटिंग होने लगती है, तो कई सारे कैरेक्टरिस्टिक भी एनिमल में चेंज होते हैं, तो उसी का कारण यहाँ पे बताया गया है। और हमारा नाम इसको बोलते ही वन हॉर्न राइनोज है, अगर कल को ये हॉर्न इतने छोटे छोटे बहुत ही छोटे हो गए और गायब हो गए तो फिर वन हॉर्न तो रह ही नहीं पाएंगे पूरी दुनिया में, और इनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होता है। तो जो हॉर्न्स ऑफ द राइनोज है ना ये स्मॉलर होते जा रहे हैं ओवर द टाइम बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द हंटिंग। तो ये रिसेंटली स्टडी है जो कि कई सारे करी गई है, और पिछले 500 साल की जो फोटोज है ना वो यहाँ पे मैच करी गई है। एक्चुअली के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ म्यूजियम्स है जहां पर पिछले 500 साल के राइनोज की 4000 से भी ज्यादा इमेजेस है जो कि अवेलेबल है, फोटोग्राफ्स करी गई है, 1862 की फोटोग्राफ अवेलेबल है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, सारे इमेजेस को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं और देखते हैं कि क्या चेंजेस किसी भी एनिमल में ओवर द टाइम आते हैं। तो उसमें राइनोज के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। आपको मालूम है 5 प्रकार के राइनोज के स्पीशीज है जो कि देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक होता है ब्लैक व्हाइट ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज, जिसको इंडियन राइनो कहते हैं। ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज हमारा इंडियन राइनो होता है जो कि आसाम में मेजरली आपको 4 नेशनल पार्क में मिलते हैं, काजीरंगा में भी है, मानस में भी है, पोबितोरा में भी है, और औरंग राजीव गांधी में भी है ना। वैसे जावा और सुमित्रन है। अब इसके अंदर से क्या है कि जो ब्लैक व्हाइट और सुमित्रन ये जो तीन है ना, ये जो तीन है इनके 2 हॉर्न होते हैं, एक्चुअली 2 हॉर्न राइनोज कहते हैं इनको, है ना। अगर आप देखोगे तो इस प्रकार के 2 हॉर्न मिलेंगे, ओके। और जो
जैवेन और जो अपने इंडियन वाले हैं इनको हम लोग वन हॉर्न राइनोस कहते हैं, क्योंकि इनके वन हॉर्न है जो कि देखने को मिलता है, एक ही हॉर्न एक ही है जो कि देखने को मिलता है, ठीक है। इनको एक सिंह का गैंडा, वन हॉर्न राइनो वो भी कहते हैं, समझ गए मेरी बात। चलिए, और इनको अलग अलग IUCN के रेड लिस्ट में जो है वो लिस्ट करा हुआ है, जैसे कि वन हॉर्न राइनो वल्नरेबल कैटेगरी में, ब्लैक जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, व्हाइट जो है वो नियर थ्रेटन्ड है, सुमात्रन जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और जावेन भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो तीन तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी के अंदर है, ब्लैक साथ में सुमात्रन और जावेन, ये तीन तो जो है बहुत ही ज्यादा डेंजरस वाली कंडीशन में देखने को मिल रहे हैं। तो ये पांच तरीके के राइनोज आप देख सकते हैं, ये है आपका इंडियन राइनोज, बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमल है, कभी आप जाओगे तो देखना, मैं तो गया हुआ हूँ काजीरंगा, तो काफी काफी शांत और काफी अमेजिंग एनिमल है ना। चलिए ठीक है, तो इनके नंबर्स भी कम होते जा रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ब्लैक और वन हॉर्न राइनोज इनके नंबर ओवर द ईयर्स फिर भी बढ़े हैं थोड़े, बाकी सबके डिक्रीज होते जा रहे हैं। अब देखिए कौन कौन से ऐसे कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं जो कि सरकारों के द्वारा लगाए गए, तो हमारे पांच राइनो की अगर मैं बात करूं तो पांच राइनो रेंजेस मेजरली जिन कंट्रीज में मिलते हैं वो है इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया। तो इन पांचों कंट्रीज ने मिलकर क्या किया था, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी करी थी ऑन एशियन राइनोज। भाई ब्लैक और व्हाइट तो अफ्रीका में मिलते हैं, बाकी जो बचे हुए हैं वो आपको एशिया के अंदर मिलते हैं, तो एशिया के अंदर ये सारे कंट्रीज है जहां पर राइनोज मिलेंगे, तो इनने मिलकर एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनो 2019 के अंदर है जो कि साइन किया था। इसके अलावा हमारे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने दोस्तों DNA प्रोफाइलिंग भी स्टार्ट करी है, इसके अलावा कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी भी बनाई है 2019 के अंदर किनको बचाया जा सके। इसके अलावा इंडियन राइनो विजन 2020 भी लॉन्च किया था 2005 में, जिसमें हमारा गोल था कि इनकी पॉपुलेशन को हम लोग 3000 से ज्यादा है जो कि लेके जाएं, समझ गए मेरी बात। और सात जो प्रोटेक्टेड एरियाज है इंडियन स्टेट ऑफ आसाम में उनको तक हम लोग इनको पहुंचाए, तो चार में तो आज के टाइम पे आपको अवेलेबल है जो कि हो जाएंगे, ठीक है गाइस। चलिए, एक बच्चा बोल रहा है कि सर किस रीजन से ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो रहे हैं। देखो चंदन, दो ही कारण होते हैं, या तो हंटिंग करना, इनके जो हॉर्न होते हैं ना वो उसको बहुत लोग इलीगली स्मगल करते हैं, है ना, कई सारे मेडिकल और कई सारे यूसेज भी होते हैं, लोग यूज करते हैं उसको, है ना, ऑर्नोमेंट्स में बहुत शौक होता है लोगों को यूज करने का, तो एक तो हंटिंग होता है और एक इनका हैबिटेट लॉस होता है। अगर इनका एरिया कम होगा तो ये कहाँ जाएंगे, ये तो बेचारे रोड पे जाएंगे तो मारे जाएंगे, है ना, तो हैबिटेट लॉस एक बहुत बड़ा कारण है। आपको जो आजकल रोडों के ऊपर शेर ये सब दिखते हैं ना, मतलब कभी भी कोई टाइगर आ गया रोड के बीच में, कभी कोई आ गया गुजरात में गिर के आसपास, आपको लायन दिख जाते हैं, तो वो कारण यही है, उनका हैबिटेट लॉस होगा, उनका एरिया छोटा होगा तो वो कहाँ जाएंगे, ओके, तो ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 12, यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों सेवा फाउंडर के बारे में। देखिए इलाबेन भट्ट जो है ना, जिनकी फोटो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, 89 ईयर की थी ये, और गांधीनियन फिलॉसफी को बिलीव किया करती थी, वुमेन एम्पावरमेंट पे इन्होंने बहुत काम किया है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन, तो ये इनका NGO था सेवा फाउंडेशन, जिसके ऊपर इन्होंने बहुत काम किया है, मतलब कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड इनके काम के लिए इनको मिले हैं, चाहे वो पद्म भूषण हो, चाहे फिर रमन मैक्सेसे अवार्ड हो, चाहे फिर वो इंदिरा गांधी पीस प्राइज हो, और इसके अलावा और भी कई सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं जो कि इनको मिल चुके हैं, पूरे साउथ इंडिया में नहीं, साउथ एशिया के अंदर भी, मतलब इनका काम जो है ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन, जो महिलाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देती है उनको लेकर इनका काम पूरे साउथ एशिया में काफी फेमस रहा है। ये चेयरपर्सन भी रही साबरमती आश्रम की, चांसलर रही महात्मा गांधी विद्यापीठ करके स्कूल है उसकी, 2007 में वर्ल्ड लीडर्स, है ना, एक वर्ल्ड लीडर्स को का एक ग्रुप बना था एल्डर्स नाम से, उसके अंदर भी शामिल थी, नेल्सन मंडेला के द्वारा ये ग्रुप है जो कि बनाया गया था, उसके अंदर भी शामिल थी। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के साथ में भी एज एडवाइजरी काम कर चुकी है, 1972 के अंदर इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था, वन ऑफ द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव वर्किंग फॉर वुमेन है जो कि माना जाता है, इनफैक्ट नियर बाय 2 मिलियन महिलाएं हैं जो कि हमारे 18 स्टेट्स में इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई, तो उसी को लेकर जो है यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है, उम्मीद करता हूँ आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं इसी पेज के ऊपर जो है दो न्यूज है, एक तो ये वाली भी और एक ये वाली भी। एक है दोस्तों पहाड़ी एथनिक कम्युनिटी को लेकर, रिसेंटली क्या हुआ था, अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी गए थे श्रीनगर, है ना, तो वहां पे उन्होंने बात करी थी कि भाई हम लोग कोशिश करेंगे कि शेड्यूल ट्राइब के अंदर जो है ना वो क्या करें, पहाड़ी ट्राइब को, कोली को और गाडा ब्राह्मण, ये तीन कम्युनिटीज को इंक्लूड करने के लिए बोला था। अब उन तीन कम्युनिटी में जो बोला था उसमें से जो पहाड़ी कम्युनिटी है उसको इंक्लूड है जो कि शेड्यूल
ट्राइब के अंदर कर लिया गया है जम्मू एंड कश्मीर की, समझ गए मेरी बात। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब उसने क्लियर कर दिया है कि वो पहाड़ी एथनिक ग्रुप को शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड करेगी जो कि जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं, समझ गए। तीन ट्राइब के बारे में बात करी गई थी, एक तो पहाड़ी थी, एक कोली थी और एक और है जिसका नाम है गादा ब्राह्मण। ये तीन ट्राइब है जिसको इंक्लूड करने के लिए बोला गया था, समझ गए मेरी बात। होम मिनिस्टर जी ने अभी राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही इसके रिजर्वेशन के बारे में, जॉब्स और एजुकेशन में, पहाड़ी कम्युनिटी के बारे में ये बात बोली थी। ओके, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है जो कि ये काम करती है, तो ट्राइबल अफेयर के अंडर में कमीशन होता है ना, शेड्यूल ट्राइब कमीशन, वो देखता है कि किसको देने की जरूरत है कि नहीं है, फिर वो अपनी रिकमेंडेशन भेजता है, प्रेसिडेंट उसको साइन करते हैं, फिर वो उसके लिस्ट के अंदर इंक्लूड होता है, समझ गए मेरी बात। चलिए ठीक है, और इनकी पॉपुलेशन भी काफी अच्छी खासी है, जो इनका राजौरी वाला जो विलेज एरिया है उसके अंदर पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, तो आने वाले टाइम पे इलेक्शन में भी काफी मदद मिलेगी। देखो शेड्यूल ट्राइब जो है ना, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, कौन सी कम्युनिटी शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड करी जाती है। देखो 1931 तक अगर मैं बात करूं ना, तो शेड्यूल ट्राइब उसको माना जाता था जो कि बहुत ही बैकवर्ड ट्राइब थी, जो कि बहुत ही एक्सक्लूडेड या फिर पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया में रह रहे थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब आया था तब उसमें कोई प्रॉपर डेफिनेशन शेड्यूल ट्राइब की नहीं दे रखी थी, हालांकि कई सारे रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया था शेड्यूल बैकवर्ड ट्राइब से भी, जो बहुत ही बैकवर्ड या एक्सक्लूडेड एरियाज में रहते हैं उनसे लोगों को बुलाया गया था, लेकिन कोई डेफिनेशन जो है वो फिक्स्ड नहीं बताई गई थी। देश की आजादी के बाद में जब हमारे संविधान लागू हुआ उसके बाद में जाके आर्टिकल 366 का जो 25वां क्लॉज है उसके अंदर जो है एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो कि शेड्यूल ट्राइब की डिफाइन करी गई, समझ गए, कि ऐसी कोई कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी या जो ट्राइबल बेल्ट में रह रही हो जिसका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ हो उसको ये लोग क्या करेंगे, शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड करेंगे, समझ गए। आर्टिकल 342 के अंदर भी शेड्यूल ट्राइब के पर्पस के बारे में बता रखा है। आर्टिकल 342 में ये भी बोल रखा है कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी स्टेट या यूटी के कंसल्ट करेंगे, गवर्नर से एक पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करेंगे और कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी को या पार्ट ऑफ ग्रुप को, कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब के अंदर इंक्लूड है जो कि कर सकते हैं, समझ गए। ये पेपर में आर्टिकल के बारे में सवाल है जो कि फ्रिक्वेंटली पूछते रहते हैं। हमारे देश में नियर बाय 700 ट्राइब्स है जो कि आज के टाइम पे नोटिफाइड है, 700 नहीं है बल्कि ज्यादा हो गई है, इनफैक्ट 705 के आसपास है, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी जो कि 62 है, इसके अलावा और भी कई सारे स्टेट में, लेकिन हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, यहाँ पे कोई भी ट्राइब जहाँ के लोकल इंक्लूड नहीं है। अब इसको लेकर तीन कमिटीज भी बन चुकी है जिन्होंने अपने अपने क्राइटेरियाज बताए हैं, जैसे कि एक तो लोकपुर कमिटी बनी थी 1965 में जिसमें 5 क्राइटेरिया जो है वो रिकमेंड करे गए थे आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन शेड्यूल ट्राइब में आएगा, है ना। एक तो ट्रेड्स क्या है, कल्चर क्या है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, कॉन्टैक्ट उनका लार्जर कम्युनिटी के साथ में है कि नहीं है, बैकवर्डनेस। फिर दूसरा कमीशन बना बोरिया कमीशन 2002 से 2004 जिसमें भी कई सारे इश्यूज के बारे में बात करी गई। फिर एक और हाई लेवल कमेटी बनी 2013 में प्रोफेसर, ठीक है, साक्षा के अंडर में, तो इन्होंने भी 5 क्रिटिकल इश्यूज है, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, डिस्प्लेसमेंट, ये सब देखा और इंक्लूड करने के लिए बोला गया। तो ये तीन कमिटीज बहुत जरूरी है, पेपर के अंदर अक्सर पूछी जाती है कि बताइए बोरिया कमीशन जो है वो किससे संबंधित है, अक्सर पेपर में आता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसी को लेकर नेशनल कमीशन भी बना रखा है जो कि काम करता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जिसको हम लोग NCST है जो कि कहते हैं। 2004 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ, आर्टिकल 338 के अंदर अमेंडमेंट करके ये नेशनल कमीशन को इंक्लूड किया गया, 338A के अंदर इंक्लूड किया गया। 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 के अंदर और इसको एक संवैधानिक बॉडी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि बनाई गई, समझ गए मेरी बात। इसके पास पावर होती है ये सारे काम करने को लेकर, इसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है, एक VC होता है और 3 और मेंबर होते हैं जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, जिसमें से 3, 4, 5 टोटल 5 हो गए ना, 5 में से एक महिला होनी जरूरी है और बाकी 3 साल का टेन्योर है जो कि इसके अंदर होता है। जो चेयरपर्सन होगा उसकी रैंक होती है किसकी, कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर की रैंक होती है, समझिए मेरी बात, इंपॉर्टेंट है ये सब, आर्टिकल पेपर में पूछते रहते हैं। कई सारे सवाल भी बन चुके हैं सिविल सर्विसेज में इससे संबंधित, जैसे कि कौन से मंत्रालय है जो कि नोडल एजेंसी है जो कि शेड्यूल ट्राइब और इन सब के काम, इन सब को लेकर देखता है, तो शेड्यूल ट्राइब का तो कौन सा मंत्रालय होगा, ऑब्वियसली ट्राइबल अफेयर्स ही होगा। एक और सवाल सिविल सर्विसेज में आया 5th और 6th शेड्यूल को लेकर, है ना, ये किस लिए बनाए गए, ये भी इंटरेस्ट देखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए बनाए गए, तो ये आपका सही आंसर होगा।
ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस में चलेंगे। यहाँ पे फ्रंट पेज पे इंडिया बांग्लादेश का मैच के बारे में बताया गया है। कल तो यार वो ओपनर इनका रन आउट हो गया, वरना तो उसने रैली बना दी थी। क्या नाम था उसका, लिटन लिटन कुछ समथिंग इस तरीके से नाम था। बहुत बुरा फोड़ रहा था यार वो तो थ्रो एकदम रन आउट हो गया वो, वरना बहुत सही तगड़ा मैच हो रहा था कल, और लास्ट तक तगड़ा मैच चला। मतलब बहुत ही सही मैच था बांग्लादेश के साथ में भी। बांग्लादेश ओवर द ईयर्स काफ़ी इंप्रूव कर दिया बांग्लादेश ने अपना क्रिकेट, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये फ्रंट पेज है हमारे लिए। जो इम्पोर्टेंट है वो है एयर एशिया ने दोस्तों एग्जिट कर दिया है, हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने एयर इंडिया को सेल कर दिया है। तो देखिए बात ऐसी है, 8 साल पहले है ना मलेशिया की एक लो कॉस्ट एयरलाइन से जो कि इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसको नाम दिया गया, जो नाम था एयर एशिया। ये एक्चुअली है तो मलेशियन, लेकिन इसको इंडिया के अंदर एयर एशिया इंडिया से इसको नाम से इंडिया में लॉन्च किया गया था। ठीक है गाइज, और इसके अंदर एयर एशिया में मलेशिया के 16% हिस्सेदारी थी, बाकी सब इन्वेस्टर्स के पास में था। अब ये 16% इन्होंने किसको दे दिया है, अपने एयर इंडिया को जो है दे दिया है। अब एयर इंडिया ये बोल रही है कि हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी एयर इंडिया एक्सप्रेस है उसके साथ में एयर एशिया को मर्ज करके जो है एक लो करियर कैरियर एक फ्लाइट है जो कि अवेलेबल करवा देंगे। समझ गए, तो एयर एशिया ने एग्जिट कर लिया है अपनी इंडियन एंटिटी और ये एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ में मिलकर काम करेंगे, जो कि दोनों एयर इंडिया जो है पेरेंट कंपनी उसके अंडर में आ जाएंगे। ऑलराइट, तो ये बड़ी न्यूज थी, ध्यान रखिएगा। एयर इंडिया के जो एमडी एंड सीईओ वो विल्सन है, जो कि अभी आपके सामने फोटो में नजर आ रहे होंगे। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं बायोफ्यूल को लेकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है ये भी, एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और आपको भी पता होना चाहिए। अभी आपको मालूम है ना, जो भी लेटेस्ट गाड़ियां अगर आप खरीद रहे हो ना, अभी कोई 30-35-40 लाख रुपए टाइप की, 50 लाख रुपए टाइप की, तो आपको जैसे आपको दो चीजें डलवानी पड़ती है, पेट्रोल भी और अलग से बायोफ्यूल भी। समझ गए, तो एक जमाने में आपको याद होगा कि अंकल लोगों के स्कूटर हुआ करते थे, उसमें वो पेट्रोल डलवाते थे, अलग से पाउच डलवाया करते थे उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। तो आज के टाइम पे बड़ी बड़ी महंगी गाड़ी में भी सेम काम है, क्योंकि पेट्रोल और बायोफ्यूल दोनों को ब्लेंड किया जा रहा है ना, अभी साथ में नहीं आ रहा है, दोनों अलग अलग करके डाल रहे हैं। ओके, उसी प्रकार से तो क्या हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो है ना वेनेसडे को, जो आपके ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को जो बायोफ्यूल खरीदेंगी उनकी प्राइसेस बढ़ा दी है। प्राइसेस बढ़ाने से फायदा होगा कि नुकसान होगा, ऑब्वियसली किसानों को फायदा होगा, क्योंकि जब आप अपना शुगर केन जब उनको बेच रहे हो बायोफ्यूल बनाने के लिए, तो उनको ज्यादा कीमत मिलेगी, क्योंकि आगे ऑयल कंपनी भी ज्यादा महंगे में खरीद रही है। तो यहाँ पे 3-6% जो है ना शुगर केन बेस्ड इथेनॉल जो है 3-6% 1 दिसंबर से इसकी प्राइस है जो कि बढ़ जाएगी। समझ गए, इससे बायोफ्यूल को प्रमोट भी हम लोग कर पाएंगे, किसान और अपना शुगर केन जो है वो बायोफ्यूल को दे पाएंगे, और साथ में क्रूड ऑयल की जो पेट्रोलियम हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं उसको भी हम लोग थोड़ा रिड्यूस कर पाएंगे। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अभी क्या किया है कि जो शुगर केन का जो जूस है उससे जो इथेनॉल बना रहे हैं उसकी, तो शुगर केन जूस से जो इथेनॉल बना रहे हैं उसकी तो 3.4% प्राइस है जो कि बढ़ा दी है, और कितनी हो गई है 65 रुपीज पर लीटर के आसपास हो गई है। उसी प्रकार से जो इथेनॉल मोलेसेस से बन रहा है उसकी प्राइस कितनी 5.9% बढ़ा दी है, और ये हो चुका है कितना 49 रुपीज पर लीटर के आसपास। तो ये इनकी प्राइसेस हो चुकी है, समझ गए। और एट प्रेजेंट हम लोग 10% क्या कर रहे हैं, पेट्रोल के अंदर ब्लेंड कर रहे हैं इथेनॉल को, और 2024-25 तक टारगेट है कि हम इसको डबल कर दें, 10-20% है जो कि हम लोग इसको कर दें। समझ गए मेरी बात, ये भी यहाँ पे बोला गया है 40,000 करोड़ रुपए जो कि हम लोग बचा देंगे, मतलब अगर 10% भी ब्लेंड अगर अभी हम लोग कर रहे हैं तो काफी अच्छी बात है। आने वाले दिनों में हमारा मोटिवेशन क्या है कि E20 लागू कर दें, यानी कि इथेनॉल 20% है जो कि आपके पेट्रोल में काम में आ जाए। अभी हम लोग 85% जो है ना क्रूड ऑयल वो हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं, बहुत पैसा जाता है उसमें, तो वो पैसा जो हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 2023 से इसका इनिशिएटिव है जो कि E20 का स्टार्ट किया जाएगा पेट्रोल पंप पे, समझ गए, तो ये बात बोली गई है। ठीक है, तो सी हैवी मोलेसेस, बी हैवी मोलेसेस, ये सब एनकरेज किया जा रहा है कि शुगर मिल के अंदर हम लोग इथेनॉल बायोफ्यूल का प्रोडक्शन है जो कि करें। ऑलराइट, चलिए तो ये वाली बात हो चुकी है। अभी हमने जो प्रोडक्शन किया है, देखिए 2013-14 में जो इथेनॉल का प्रोडक्शन था वो 380 मिलियन लीटर था, अभी जो है 4.5 बिलियन लीटर है जो कि 2021-22 तक पहुंच चुका है। पहले टारगेट था 20% करना 2030 तक, जिसको रिड्यूस करके 2025-26 तक है जो कि कर दिया गया है। ओके, ये बात यहाँ पे बोली गई है, इतनी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलिए जनसत्ता की बात करें तो यहाँ पे फ्रंट पेज पे है बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर। ठीक है, और
एक बच्चा बोल रहा है एएसवी ने 40 रुपीज डोनेट करे हैं, क्या बात है यार, पहली बार किसी ने जो है कि इस तरीके से किया है और उनका IIMC में हो गया है। ओके, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, उनका IIMC में हो गया है को ठीक है। और मेरे को लगता है कि आपको यहाँ डोनेट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप किसी अच्छे कॉज में किसी किसी ऐसे को हेल्प करेंगे 40 या 100 रुपये जो भी आप डोनेट करते हैं, जिसको सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किसी की शिक्षा में, किसी को पेन पेंसिल में, तो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। ओके, अपन तो चला लेंगे यार, अपने तो प्रॉफिटेबल वेंचर है Class 24, तो अपन चला लेंगे, डोंट वरी चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रूपाली, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हालांकि वो बात अलग है कि अपन प्रॉफिट में है नहीं, मतलब ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के ऊपर ही चल रहे हैं अपन। प्रॉफिटेबल है वेंचर लेकिन प्रॉफिट में नहीं है अभी, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे चल रहा है, बट विल डू इट, आई मीन हो जाएगा सूनर और लेटर, विल डू इट। चलो ठीक है, लेकिन थैंक यू सो मच, ये आपकी कर्टसी है, जो आपका प्यार है उसके वजह से आपने ये किया है, तो आई ट्रूली अप्रिशिएट इट। चलिए आगे बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर, इंटरसेप्टर को लेकर। देखो नाम से समझ में आ रहा होगा, इंटरसेप्टर का मतलब क्या है कि कोई भी मिसाइल अगर हमारे कंट्री के ऊपर आएगी तो हम उसको इंटरसेप्ट कर लेंगे, जो मिसाइल उसको रोकेगी उसी का नाम इंटरसेप्टर है, जो कि दिया गया है। जैसे कि इसराइल का हमने आयरन डोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा था, कितने सारे मिसाइल्स को वो रोक लेता है। इसी प्रकार से दोस्तों हमने हमारा सेकेंड जो फेज है बैलिस्टिक मिसाइल का, इंटरसेप्टर AD-1, उसका जो है हमने सफलतापूर्वक परीक्षण है, यानी कि टेस्टिंग है जो कि करी है। ठीक है गाइस, ये बात बताया गया, DRDO इसके ऊपर काम कर रही है। अब देखिए कुछ इस प्रकार से होता है ये सिस्टम, है ना, ये हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्टर है, अंडर डेवलपमेंट के अंदर है और इस तरीके से मिसाइल्स को जो है ऊपर की तरफ रोक लेता है, अगर कोई भी मिसाइल है जो कि आ रही होती है तो। ये देखिए इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्चर है ये, है ना, यहां से मिसाइल है जो कि लॉन्च होगी। अब हमने जो लॉन्च किया है ना, हम चाहते हैं कि काफी डिस्टेंट तक, है ना, पहले ही रोक ले। अभी प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे पास जो सिस्टम है वो है आकाश नाम का, आकाश सिर्फ 25 किलोमीटर पहले है जो कि इंटरसेप्ट करता है। 25 किलोमीटर बहुत छोटा होता है यार, मतलब देख सकते हो आपकी, अच्छा वो इंटरसेप्ट हो गई ऊपर जाके, है ना, और थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ तो फिर आ ही जाएगी। तो ये हमारा बहुत ही ओल्ड सिस्टम है, है ना, हमने आकाश 1 और 2 सिस्टम 10,000 करोड़ रुपए के अंदर IMF में भी इंडियन एयरफोर्स ने यूज किए थे और ये पुराना है। उसके अलावा स्पाइडर भी सिस्टम है, जो ये स्पाइडर जो है ये इसराइल का है, वो तो 15 किलोमीटर पहले तक भी रोक लेता है, हालांकि उनके पास लॉन्ग रेंज भी है और आयरन डोम प्रोजेक्ट, और शॉर्ट रेंज वाला भी स्पाइडर है, ये बहुत ही क्विक रिएक्शन करता है और 15 किलोमीटर पहले तक जो है वो रोक लेता है। इसके अलावा अभी हमने रशिया से परचेस किया था S-400, टर्की ने भी परचेस किया, 40,000 करोड़ की डील थी, जिसमें 400 किलोमीटर इसकी रेंज है, 400 किलोमीटर पहले तक ये रोक लेता है, है ना, और 5 सिस्टम है जो कि आने वाले 4-5 साल के अंदर हमें मिलेंगे। और चाइना भी S-400 बैटरीज है, जो कि वो भी $3 बिलियन में रशिया से पहले ले चुका है। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हम लोग खुद का बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं BMD। ओके, ये हमारा खुद का प्रोजेक्ट है, BMD शील्ड बना रहे हैं हम लोग, इंटरसेप्टर मिसाइल बना रहे हैं, जिसकी 4 या 5 मैक स्पीड होगी और 2000 किलोमीटर की इसकी रेंज होगी। कितनी? 2000 किलोमीटर। फेज 2 के अंदर तो हम इस रेंज को और आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब, है ना, ठीक है, 5000 किलोमीटर रेंज है जो कि हम लोग इन मिसाइल्स की बना रहे हैं। काफी टाइम लगेगा लेकिन हम इसके ऊपर काम है जो कि स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है गाइस, हमारे पास में अभी जो मेजर मिसाइल सिस्टम्स है, हम लोग अभी आकाश, अग्नि, उन सब के बारे में बात नहीं कर रहे, वो सब तो आपको मालूम ही है। जैसे कि निर्भय के बारे में पेपर में पूछते हैं तो ये क्रूज मिसाइल है, 1500 किलोमीटर इसकी स्पीड है। वैसे ही पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, है ना, और सागरिका सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, सागरिका K-4 K-5। वैसे ही एंटी टैंक मिसाइल भी हमारे पास में नाग है, हेलिना है, है ना, अमोघ है, ये सारे के सारे कुछ मिसाइल्स है। पेपर में पूछते हैं कि बताइए नाग, हेलिना, ये कौन से मिसाइल्स है, इनकी रेंज के बारे में भी पूछते हैं, तो अगर आप डिफेंस का एग्जाम दे रहे हो तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड सिटीज डे को लेकर। वर्ल्ड सिटीज डे के बारे में बात करें तो 31 अक्टूबर को हर साल है जो कि मनाया जाता है, और इसमें प्रमोट करते हैं ग्लोबल अर्बनाइजेशन को लेकर, कि भाई लोगों को सुविधाएं मिले, अर्बनाइजेशन बढ़े, गांव के अंदर भी सुविधाएं बढ़े तो वो भी अर्बनाइज हो जाएं। तो यूनाइटेड नेशंस ने बोला है कि 10 में से हर 7 लोग जो है 2050 तक अर्बन सिटीज में रहेंगे। थीम इस बार रखी गई है एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल, ये थीम रखी गई है। पहली बार 2013 के अंदर यूनाइटेड नेशन असेंबली के अंदर जो है इसके बारे में रेजोल्यूशन पास हुआ, 14 में सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है,
चलिए, और सिग्निफिकेंस यही है कि जो चैलेंजेस होते हैं अर्बनाइजेशन के अंदर, उनको साथ में मिलकर टैकल किया जाए, लोगों को घर मिले, बिजली मिले, पानी मिले, ये सारी सुविधाएं मिले। अर्बनाइजेशन का मतलब यही है, शहरीकरण का मतलब ये नहीं होता कि रोडें बन जाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाए, लेकिन सुविधाएं वहां पे आदमी के लिए अवेलेबल हो, उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारे यहाँ पे भी कुछ एक इनिशिएटिव लॉन्च करे गए, स्मार्ट सिटीज, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, है ना, HRI डे, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सारे अर्बनाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए लॉन्च करे गए थे। उसी प्रकार से जो अर्बन पुअर हैं, जो गरीब लोग हैं शहरों में, उनके लिए गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत, ये जो है दो लॉन्च करे गए। आगे बात करते हैं आशा वर्कर्स को लेकर। आशा वर्कर की से अभी रिसेंटली विजन पूछा गया है कि तब देश को 100 साल हो चुके होंगे इंडिपेंडेंस को, तब क्या विजन होगा, कहां पर आशा वर्कर्स अपने आप को देखते हैं, ओके, कैसे वो कंट्री को देखते हैं। आशा वर्कर्स दोस्तों हमारे देश की बैकबोन मानी जाती है। आपको मालूम होगा कि गांव के अंदर जो भी मेडिकल सुविधाएं होती है, उनको लोगों तक पहुंचाना, उनके वैक्सीनेशन करवाना, उनके मैटरनिटी हेल्थ, उनका बच्चा, इस सारे का सारा ध्यान रखना, अवेयरनेस कैंपेन करवाना, हॉस्पिटल के बारे में बताना, स्कूल के बारे में बताना, ये सारे आशा वर्कर्स करती हैं। ओके, तो आशा वर्कर का फुल फॉर्म होता है एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ओके, और इनको वॉलंटियर्स माना जाता है हमारे देश में, हमारी कम्युनिटी में, हमारे देश में, जो कि क्या करती है, बेनिफिट्स पहुंचाती है सरकार की, गवर्नमेंट स्कीम्स की, मेजरली हेल्थ केयर स्कीम्स की, आम लोगों तक। ये एक ब्रिज माना जाता है सरकार के बीच में और हमारे गांव के लोगों के बीच में। ठीक है गाइज, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में लॉन्च किया गया था, तब उसी के अंदर कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स के बारे में बताया गया था। अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, आशा वर्कर्स की काम तो बहुत करती है, बैकबोन भी हमारे कंट्री की, UN के अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, है ना, हमारे देश का नाम भी होता है उस चीज से, लेकिन इनके बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो कि अभी तक विटनेस नहीं करे गए हैं। जैसे कि एक तो, ठीक है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, गांव के अंदर हेल्थ सर्विसेज के अंदर कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं होती है, ओके, इसके अलावा कम्युनिकेशंस का कोई चैनलाइज नहीं है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं डिलीवरीज के टाइम पे। इसके अलावा दो मेजर खुद के पर्सनल जो इनके इश्यूज है, एक तो है कि कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है, दूसरा दोस्तों इनको आज भी वॉलंटियर माना जाता है। आज इनको अगर गवर्नमेंट इनको प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉयमेंट का अगर अपॉर्चुनिटी दे, चाहे कम सैलरी में दे, लेकिन उनको एक तरीके से कुछ तो एम्प्लॉय, स्टेट एम्प्लॉय या सेंट्रल एम्प्लॉय कुछ तो माने, लेकिन वो भी नहीं है, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, आज के टाइम पे 1 मिलियन आशा वर्कर है जो कि पूरे देश में काम कर रही है, सबसे ज्यादा आपको उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिलेंगी। गोवा के अंदर दोस्तों आशा वर्कर्स कोई भी नहीं है। रिकॉग्नाइजेशन की बात करें तो आप देखिए, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा भी 2020 में 75वें वर्ल्ड असेंबली हुआ था, तो 2022 में ही, तो ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड है जो कि इनको मिला। इसके अलावा गार्जियन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इनको पहले टाइम मैगजीन के द्वारा मिल चुका है। अब बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, अगर सारी मीटिंग जितनी भी अटेंड कर लेना, ये देखिए, तो जाके 2000 रुपये मिलेंगे मंथली बेसिस पे, सारे के सारे कई सारी मीटिंग्स होती है, उसके 100-200 रुपये पर हेड के हिसाब से मिलते हैं। तो अगर सारी मीटिंग्स अटेंड करें तो 2000 रुपये। इसके अलावा इंसेंटिव मिलता है इनको, जैसे कि अगर आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवा दी तो 150-200 रुपये मिल गए, वैक्सीनेशन करवाया तो 50 रुपये मिल गए, इस तरीके से। तो अगर वो सारा भी मिला दो और ये सारी मीटिंग्स भी अटेंड कर ले, तब भी जाके 3-4-5 हज़ार रुपये ज़्यादा होते नहीं है, है ना, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। चलिए आगे बात करते हैं, सिंगापुर का इनेबलिंग विलेज, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव सिंगापुर के द्वारा स्टार्ट किया गया है। एक बहुत ही यूनिक विलेज है जहां पे इनोवेशंस के साथ में जो भी डिसेबल लोग हैं ना, उनकी पूरी तरीके से उनकी लाइफ को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। सोशल बिजनेसेस और कम्युनिटी डेवलपमेंट है जो कि किया जा रहा है, रिटेल में, लाइफस्टाइल में और ट्रेनिंग में, तीनों जगह पे जो भी सुविधाएं हैं वो सभी के लिए अवेलेबल करवाई गई है। ये देखिए, ठीक है, इसके अंदर जिम जो बनाया गया है वो कोई भी यूज कर सकता है, ट्रैक्स है, ट्रेनिंग फैसिलिटी है, सुपरमार्केट के अंदर आप देख रहे हो किस तरीके से आप शॉपिंग कर सकते हो, डिसेबल भी, हर जगह पे चेयर्स अवेलेबल है और बहुत ही टेक्नोलॉजी फ्रेंडली चेयर्स है, मतलब ये सारे के सारे, है ना। और ये देखिए, हर जगह पे देखिए, जिम जो है वो भी पूरा टेक एनेबल्ड है, हर चीज, ये प्लेग्राउंड है ये भी पूरा टेक एनेबल्ड है और डिसेबल के, तो ये पूरा विलेज है जो कि इसी तरीके से सिंगापुर में डिजाइन किया गया, यूनिवर्सल एक्सेसिबल एक्सेसिबिलिटी है जो कि यहाँ पे अवेलेबल करवाई गई है। अगर जिंदगी में अगर आप इन फ्यूचर में कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर कि अगर वो कोई पब्लिक प्लेस है तो वो हमेशा सभी लोगों के लिए फ्रेंडली होनी चाहिए और इको फ्रेंडली होनी चाहिए। ये दो चीजें जो है ना वो बहुत ही जरूरी होता है, एक्सेसिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी यानी कि इन्वायरमेंट के हिसाब से, तो ये दो चीजें हमेशा हर एक बिल्डिंग, हर एक कंस्ट्रक्शन के अंदर होना बहुत जरूरी होता है। चलिए ठीक है, ये तो हो चुका है। आगे बात करते हैं एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू द टेस्ला ऑटो पायलट। तो टेस्ला ने अभी, आप सभी को मालूम है, अपनी गाड़ियों में ऑटो पायलट फीचर है जो कि इनेबल किया था, जिससे एक लोग थुक भी गए, जिससे कई सारे केसेस है जो कि टेस्ला के ऊपर हो गए हैं।
2015 के अंदर दोस्तों ये लॉन्चिंग है जो कि ऑटो पायलट की करी गई थी। गूगल भी अपने लेके आ रहा है वैसे तो, खैर गूगल भी जो है ना ड्राइवरलेस कार्स है जो कि इंट्रोड्यूस कर रहा है। ओके, और आपने देखा होगा ना उबर की स्टोरी देखी, उबर उबर के ऊपर एक मूवी थी, उबर अभी डॉक्यूमेंट्री मूवी बनी थी, उसके ऊपर एक वेब सीरीज बनी थी, नाम भूल गया मैं उसका, उबर के नाम से था कि है, था क्या, वो देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छी है। एक मिनट, हाँ सुपर पम्प्ड, इसका नाम है सुपर पम्प्ड, ये देख लेना वेब सीरीज बहुत ही सही है। तो इसमें पूरी उबर की स्टोरी है जो कि बताई गई है, किस तरीके से इन्होंने इनिशियली चीटिंग करी, गलत तरीके अपनाया, लेकिन ग्रोथ करते करते किस तरीके से ओके टीके जो इसका फाउंडर है, मतलब पूरी स्टोरी बताई उबर की, कैसे उन्होंने दुनिया में रूल किया, कैसे गूगल से पंगा लिया, एप्पल से पंगा लिया, सब कुछ बताया, बहुत ही सही है, मतलब आप देखिएगा बहुत ही अमेजिंग है, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलिए, तो ड्राइवरलेस कार जो है इंट्रोड्यूस करी गई थी, जिसके अंदर आपको ड्राइवर की जरूरत नहीं है, आप अपनी लोकेशन डालो, गाड़ी अपने हिसाब से आसपास के एनवायरनमेंट को वो देखेगी, आसपास के एनवायरनमेंट को चेक करेगी और उसके हिसाब से चलेगी। इंडिया में तो क्या पॉसिबल ही नहीं है, हमारे यहाँ तो मतलब ऐसा है कि जो भी रूल्स है वो गाड़ी को कितने रूल समझ जाए लेकिन फिर भी रूल्स नहीं समझ पाएगी, है ना, पता लगा कि यहाँ की लाइट ऑन हो रखी है, पीछे से आके किसी ने बैठ दी, एक क्रॉस चलाता हुआ आ रहा आदमी और यहाँ पे ठीक है गाड़ी ने जितने में देर में इसने आगे पीछे करी इतने में भिड़ गई। तो हमारे यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है कि ड्राइवरलेस गाड़ी, मतलब हमारे यहाँ पे रूल्स के अलावा भी 50 दिमाग लगाने पड़ते हैं गाड़ी चलाने से पहले और चलाते वक्त, मतलब जितना ध्यान आपको अपनी राइट साइड पर रखना पड़ता है उससे ज़्यादा ध्यान रॉन्ग साइड पर रखना पड़ता है। अब बेचारी वो ड्राइवरलेस गाड़ी कैसे करेगी। ओके, तो इसमें क्या है कि उसके बेनिफिट्स बताए गए हैं ड्राइवरलेस कार के, कि भाई ह्यूमन एरर से होने वाले एक्सीडेंट रुक जाएंगे, ट्रैफिक रूल्स प्रॉपर फॉलो होंगे, अनप्रोडक्टिव ड्राइविंग जो है वो कम हो जाएगी, बिन बातें लोग चालू करके जो है बैठे रहते हैं, है ना, लेसर ट्रैफिक और कंजेक्शन जो रोड पे, इससे आपका ह्यूमन का टाइम भी बचेगा और ह्यूमन का स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब ये क्या कर गई, इस तरीके से चारों तरफ जो है वो अपने रडार से चेक करके जो है वो सारे काम करेगी। पहली बात तो अब इसमें कई सारे एथिकल इश्यूज हैं कि कल को अगर एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, तो कौन अकाउंटेबल होगा, गाड़ी का ओनर होगा कि कंपनी होगी। गाड़ी का ओनर बोलेगा मैं तो चला ही नहीं रहा था, कंपनी बोलेगी हमने तो दे दी थी पहले ही इसको बना के, अब ये कैसे यूज कर रहा है, हम क्या करें। तो एक तो अकाउंटेबिलिटी की प्रॉब्लम है, दूसरा दोस्तों लॉ वर्सेस एथिक्स की प्रॉब्लम है कि ये ट्रैफिक रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो तो करेगी, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशंस होती है कि ट्रैफिक रूल को आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जैसे कि एम्बुलेंस के केस में। अब ये तो हटेगी नहीं, इसको क्या पता एम्बुलेंस का कब सायरन बज रहा है कब नहीं बज रहा है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, लॉ को प्रायोरिटी दोगे कि एथिक्स को प्रायोरिटी दोगे। तीसरा दोस्तों ह्यूमन वैल्यूज, कई बार इंसान लोग कई बार रोड पे इंजरी हो जाती है तो लोग मदद करने के लिए गाड़ी रोक लेते हैं, ड्राइवरलेस गाड़ी को क्या मतलब है, ठीक है कौन भिड़ रहा है कि कौन नहीं भिड़ रहा है, ये तो ले जाएगी। चौथा दोस्तों एनवायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट भी, एक गाड़ियां बढ़ जाएगी अगर ड्राइवरलेस हो गई तो, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा ऑटोमेशन वर्सेस ह्यूमन लाइवलीहुड, कई सारी नौकरियां चली जाएगी, और अगर किसी ने गाड़ी के सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया और अगर इसको एक क्लीन कार बना दिया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उस केस में, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, ये भी एक चिंता का कारण है। तो ये सारे इसमें एथिकल कंसर्न है जो कि देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इंडियन आर्मी ने दोस्तों कोलैबोरेट किया है किसके साथ में, टाटा पावर के साथ में। इंडियन आर्मी ने दोस्तों गो ग्रीन इनिशिएटिव के तहत टाटा पावर के साथ में इनिशिएटिव कोलैबोरेशन के साथ में काम कर रहे हैं। इंडिया के लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड यूटिलिटी जो है वो 16 चार्जिंग स्टेशन है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सेटअप कर रहे हैं दिल्ली वाले एरिया में। ठीक है, तो ये जो होंगे 16 चार्जिंग स्टेशन, ये इंडियन आर्मी यूज करेगी और एम्प्लॉय यूज करेंगे। ये यूनिक इनिशिएटिव है जो कि दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है ताकि इको फ्रेंडली आर्मी के जो गाड़ियां हैं वो सब भी हो सके। आगे बात करते हैं, जो कि बैन कर दिया गया है किसी भी प्रकार से मणिपुर के अंदर हंटिंग करना एमओआर फैल्कॉन को। तो आपको मालूम है फैल्कॉन जो है ना अभी इस टाइम पे बहुत सारे जो है 2 लाख के आसपास है जो कि ट्रैवल करते हुए मणिपुर वाले एरिया में आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। तो इनकी हंटिंग, किलिंग और इनकी सेल तीनों तरीके से बैन कर दी गई है। नागालैंड, मणिपुर इस वाले एरिया में, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, चाइना, मंगोलिया से वहाँ पे टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है तो फिर ये हमारे वाले एरिया में आते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में अभी ये लीस्ट कंसर्न वाली कैटेगरी के अंदर है। तो हमने दोस्तों मणिपुर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 यूज़ किया और हमारे जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं ये हमें Schedule 4 के अंदर इनका प्रोटेक्शन है जो कि करते हैं। 5,000 रुपये का फाइन है और इम्प्रिजमेंट है 3 साल का वो इस पर लगाया गया है। आगे सरकार ने दोस्तों अभी रिसेंटली बोला है कि हम नया इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे
वन नेशन वन आईटीआर फॉर्म। अभी क्या होता है कि अलग अलग प्रकार से 7 प्रकार के आईटीआर फॉर्म्स होते हैं। जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो लोग अपने अपने हिसाब से भरते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने प्रपोजल डाला है और बोला है कि भैया अपने अपने राय बताइए, सभी राज्यों को बोला है कि अगर हम एक ही आईटीआर फॉर्म रखें जिसमें लोग अपने अपने हिसाब से उसको फिल कर लें तो क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो सारे टैक्स पेयर्स के लिए एक सिंगल फॉर्म लाने के लिए इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया है। बेनिफिट ये होगा, बहुत सारी जो आपके पेपर वर्क है वो कम हो जाएगा। इंटरनेशनल प्रैक्टिस एक तरीके से है, वो हमारे यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, करंट अफेयर शॉर्ट्स की बात करें तो जमशेद जी टाटा इंडिया के फर्स्ट जमशेद टाटा स्टील जमशेदपुर जो है इंडिया की फर्स्ट है जिसने रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन है जो कि हासिल किया है जमशेदपुर झारखंड के अंदर। ओके, तो ये सर्टिफिकेशन है, मतलब जो भी स्टील का काम होता है ना उसको लेकर, तो ये जमशेद टाटा स्टील को सर्टिफिकेशन मिला है। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर दोस्तों हेमा प्रभा जी बनी है जो कि ICAR SBI के बनी है। वोकैबुलरी इसकी क्लिंच का मतलब होता है फाइनलाइज करना, शिमरिंग का मतलब होता है ग्लिमर ट्विंकलिंग करना, ट्रेवियल का मतलब होता है एंगेज करना, डिक्राय का मतलब हार्मफुल किसी को क्रिटिसाइज करना, और स्पोर्ट का मतलब है सडन ब्रीफ जो किसी चीज का करते हो। वो फन फैक्ट के बारे में बात करें तो दुनिया के शॉर्टेस्ट वॉर के बारे में हम लोग शायद पहले भी बात कर चुके हैं जो कि इंग्लैंड और जंजाबीर के जंजीबार के बीच में हुई थी जो कि मात्र 38 मिनट जो कि चली थी। ठीक है, T20 मैच से भी कम हो गया है तो, है ना, जंजीबार और इंग्लैंड के बीच में हुई थी, 38 मिनट के अंदर ये वॉर खत्म हो गया था। करंट अफेयर कैप्सूल बैच आप ज्वाइन कर सकते हो करंट अफेयर्स के लिए क्लास 24 पे। अभी सभी एग्जाम्स के लिए आप करंट अफेयर एक साल का कवर कर सकते हो 499 रुपीज में। हर संडे को सभी बच्चों के लिए फ्री टेस्ट भी करंट अफेयर का अवेलेबल होता है, तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है गाइज, और यहाँ पे 1000 से ज्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन दोनों लैंग्वेजेस में आपको करवा रहा हूँ। साथ में ब्रह्मास्त्र बैच CGL का ज्वाइन कर सकते हैं आप मात्र 2000 रुपए में, और SSC का GD विजय बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 1000 रुपए में। इंडिया की बेस्ट टीम आपको पढ़ा रही है। आपको करना क्या है, क्लास 24 ऐप डाउनलोड करनी है, SSC में जाना है, यहाँ पे CGL GD सारे एग्जाम्स और इंडिविजुअल सब्जेक्ट के भी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आप CGL की लगाइएगा, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, एक फ्री टेस्ट लगा के देखिएगा। ठीक है, और PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं क्लास 24 से, स्माइल फॉर ऑल को ज्वाइन कर सकते हैं वॉलंटियर पे या फिर एक हैप्पीनेस सब्सक्राइबर के तौर पे। आज का पहला सवाल है जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के वर्ल्ड सिटीज रेजोल्यूशन को लेकर है। दूसरा है आपके डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी को लेकर, कितना कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में पहली बार कब इस्टेब्लिश किया गया हेल्थ वॉलंटियर्स को। ऑटोनोमस व्हीकल मैन्युफैक्चरर टेस्ला ऑटो पायलट फीचर कब लॉन्च किया था। कितने टाइप के ITR फॉर्म्स आज के टाइम पे अवेलेबल हैं। अभी किसके कौन से स्टेट में फेलकॉन्स के हंटिंग को बैन किया गया। तो ये था आज का आपका इनिशिएटिव, आज का अपना करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।